हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन के वॉल्यूम अप डाउन प्रॉब्लम के बारे में। गाइस, क्या आप जब भी एक बटन को प्रेस करते हैं, चाहे वो अप वाली हो या फिर डाउन वाली है वॉल्यूम की, तो एक बार प्रेस करते हैं तो आवाज़ ज़्यादा हो जाता है या फिर पूरा कम हो जाता है, कोई भी वॉल्यूम हुआ गाइस, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सेटिंग्स में जाना है, और अगर आपके फ़ोन में सर्च बार रहेगा तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है रीसेट। जैसे ही रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली नाम की सेटिंग मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको आना है नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी एडिशनल सेटिंग्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको आना है सबसे नीचे, और सबसे नीचे बैकअप एंड रिसेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे फिर से आपको इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर आने के बाद देखिए रिसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है, जो सेटिंग मैंने बाहर सर्च की थी। और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पर रिसेट कर देना है। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, हो सकता है आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए या फिर स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाए। तो गाइस, जैसे ही इतना हो जाएगा, अगर स्विच ऑफ नहीं होगा तो अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रीस्टार्ट या रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा, रीस्टार्ट या रिबूट पर क्लिक कर देना है। और इतना गाइस जैसे आप कर लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी वॉल्यूम में। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।